Hello friends and welcome back to Chicky's Biology, another video tutorial. Today I am going to discuss about what is the affinity chromatography. आज हम लोग बात करेंगे affinity chromatography के बारे में. और जैसे हमने अपनी previous video में बहुत सारी chromatography techniques के बारे में discuss किया, ऐसी से मैं आज हम लोग फिर से एक chromatography technique के बारे में यहाँ पे discuss करने जा रहे हैं, जिस technique को हम लोग बोलते हैं affinity chromatography. But अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ. जैसे कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं, उनका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल बेस होता है पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट पे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं केडी से. और केडी जो हमारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट जो हमारा होता है, केडी इज इक्वल टू होता है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल इन फेज ए अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल इन फेज बी. तो ये हमारा एक तरह से प्रिंसिपल है हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट है, जिसको हम लोग पार्टीशियन कोफिशियंट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग केडी से डिनोट करते हैं. फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये पॉइंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. आज हम जिस क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं वो हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, बट हम लोग चूज करते हैं अपनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को ऑन द बिहाफ ऑफ कि हम लोग किस सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं. तो सैंपल की एनालिसिस के बिहाफ पर हम लोग अपनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को यहाँ पे चूज करते हैं, देन उनको यूज करते हैं और फाइंड करते हैं अपना जो हमारा डिजायर आंसर होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, या जो हमारा एक मोटिव होता है, जिस मोटिव के लिए हम लोग अपनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को रन करते हैं, उस मोटिव को हम लोग फुलफिल करते हैं. तो फ्रेंड्स, आज हम जिस क्रोमेटोग्राफी पे डिस्कस करेंगे वो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. ये बेस होती है एफिनिटी पे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी एफिनिटी होती क्या है, यानी वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जिस फोर्स से जुड़ रहा है वो एक तरह से उसका एफिनिटी फोर्स है, यानी उस एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ने की जो कैपेबिलिटी है वही एफिनिटी है. फ्रेंड्स, एफिनिटी जो है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक enabling purification of a biomolecule with respect to biological function or individual chemical structure. ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि किस बायोमोलिक्यूल की या किस मॉलिक्यूल की किस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ में एफिनिटी है, और जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसी को हम लोग अपने एफिनिटी, जो हमारा यहाँ पे टर्म है एफिनिटी टर्म की हेल्प से, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं. तो जैसे कि यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ लाइगेंट है, जैसे हमारा एंजाइम है, तो एंजाइम जो है हमारा, एंजाइम से हम लोग किस चीज को यहाँ पे प्यूरिफाई कर सकते हैं, यानी एंजाइम की एफिनिटी किसके साथ में है. एंजाइम की जो एफिनिटी होती है वो सबस्ट्रेट के साथ होती है, सबस्ट्रेट एनालॉग, ठीक है, इनहिबिटर और कोफैक्टर. यानी जो एंजाइम है, एंजाइम से हम लोग सबस्ट्रेट एनालॉग को यहाँ पे प्यूरिफाई कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल की हेल्प से, और इनहिबिटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, कोफैक्टर को प्योरीफाई कर सकते हैं. सेम है जैसे ही हम लोग एंटीबॉडी की जो एफिनिटी है वो एंटीजन के साथ में है, तो इसको भी हम लोग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही हमारा जो लेक्टिन है, लेक्टिन की जो एफिनिटी है वो पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन सेल सरफेस रिसेप्टर और सेल के साथ में है. ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा, इसकी जो एफिनिटी है हमारी न्यूक्लिक एसिड की, हमारा डीएनए एंड आरएनए, इसकी एफिनिटी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस के साथ में, न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में हमारी न्यूक्लिक एसिड की. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हार्मोन की. हार्मोन की जो एफिनिटी है वो हमारे रिसेप्टर के साथ में. एविडीन जो है, इसकी एफिनिटी है बायोटीन के साथ में. और यहाँ से गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि एविडीन की जो एफिनिटी है वो किसके साथ है. चार ऑप्शन दिए थे, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर था वो था बायोटीन. ठीक है, ऐसे ही जो हमारा कैलोमोडुलिन है, इसकी एफिनिटी जो है, जो हमारा कैलोमोडुलिन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में. ठीक है, तो एफिनिटी के बिहाव पे हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं इनको प्योरीफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो पोली ए है, हमारा पोली ए टेल होती है, इसकी जो एफिनिटी होती है हमारी आरएनए कंटेनिंग पोली यू सिक्वेंस के साथ में, यानी ये बाइंड हो सकता है इसके साथ में. ऐसे ही हमारा जो हमारा ग्लूटाथियोन होता है, उसकी जो एफिनिटी होती है वो होती है हमारी ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफ्रेज और जीएसटी फ्यूजन प्रोटीन्स के साथ में. अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है वो है हमारा प्रोटीन ए एंड जी की जो एफिनिटी है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ में, यानी एंटीबॉडीज के साथ में.
मेटल आयन की जो एफिनिटी है वो है हमारे पॉलीहिस्टिडीन फ्यूजन प्रोटीन्स के साथ में और नेटिव प्रोटीन्स विद हिस्टिडीन के साथ में। तो इन सभी जो हमारे यहाँ पे जो हमारे लाइगेंट हैं, लाइगेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी लाइगेंट मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम लोग अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एफिनिटी के बिहाफ पे प्योरीफाई कर सकते हैं, उनकी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, उनका यहाँ पे हम लोग प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे हम लोग अपनी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से ये भी मैकेनिज्म हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द यूकैरियोटिक एमआरएनए विद पॉली ए टेल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स बाय ओलिगोडीटी सेलुलोज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पे हमने जॉइंट किया है बाय लाइगेंड की हेल्प से जॉइंट किए हैं अपने यहाँ पे जो हमारे टीटी सीक्वेंस है उनको हमने यहाँ पे एक तरह से बाइंड किया है। ठीक है, ओलिगो डीटी सेलुलोज है हमारा ये, इस पे हमने अपना यहाँ पे टीटी सीक्वेंस को एक तरह से बाइंड किया है। अब क्या होगा कि एडिशन ऑफ मिक्सचर साइटोप्लाज्मिक आरएनए, हमने क्या किया कि जो एडिशन है एडिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए यानी साइटोप्लाज्मिक आरएनए का हमने मिक्सचर यहाँ पे एक तरह से ऐड किया है। इसमें हमारा एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है और हमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से यहाँ पे अपने जो हमारा एमआरएनए है उसको हमें यहाँ पे प्योरीफाई करना है, उसका हमें यहाँ पे सेपरेशन करना है। तो कैसे होगा यही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों जैसे यहाँ पे टी है तो टी की जो एफिनिटी है ना, टी ये जो सीक्वेंस हमारे यहाँ पे ओलिगोडीटी सेलुलोज जो हमारे यहाँ पे है इसकी जो एफिनिटी है ना वो हमारी ना तो टीआरएनए के साथ है ना ही आरआरएनए के साथ है, ये हमारी एफिनिटी है एमआरएनए के साथ। तो एमआरएनए जितने भी होंगे वो सभी इस सीक्वेंस के साथ में बाय द हेल्प ऑफ एफिनिटी जुड़ जाएंगे और हम लोग अपने एमआरएनए को यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अंडर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस में ही हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं अपने टारगेट एमआरएनए को। हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टीटी सीक्वेंस है इसके साथ में हमारा जो ए सीक्वेंस है वो यहाँ पे हाइब्रिडाइज हो जाएगा यानी यहाँ पे बाइंडिंग बना लेगा जिसको हम लोग एफिनिटी बोल रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ठीक है, और हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है अपने एमआरएनए को यानी हमने टी सीक्वेंस के साथ में ए सीक्वेंस की यहाँ पे बाइंडिंग की हेल्प से अपने टारगेट एमआरएनए को एक तरह से यहाँ पे सेपरेट कर लिया है जो हमारा मोटिव है हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और किस मॉलिक्यूल के साथ में एफिनिटी है इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली क्रूशियल है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।